हर महीने या 15 दिनों में सत्संग होता तो बुराइयों से दूर रहता समाज, इसमें इसलिए समाज को गुरु जी की सख्त जरूरत है। जी हाँ नमस्कार, मैं परविंदर कौर द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करेंगे, क्या सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की। सर आपका नाम? वीरमान। सर डेरा सच्चा सौदा में आप जाते हो, वहाँ डेरा सच्चा सौदा में जब गुरुजी सत्संग करते थे उस सत्संग से क्या सीख आपको मिलती थी, क्या ज्ञान मिलता था? वहाँ सबको नशा छुड़ाया जाता था और सही मालक की भक्ति में बारे में ज्ञान कराया जाता जी। इसके बगैर वहाँ तो कोई, इसके बगैर कोई और कोई प्रोग्राम नहीं था, यही शिक्षा थी भी नाम जपो और प्रेम करो, इसके बगैर कोई नहीं जी। सर आज गुरुजी के समाज में ना होने के कारण क्या क्या बुराइयाँ, क्या कमियाँ समाज में आ चुकी हैं? पिताजी के यहाँ ना होने के कारण यहाँ नशा इतना बढ़ चुका है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर हर महीने या 15 दिनों में सत्संग होता तो बुराइयों से दूर रहता समाज, इसमें इसलिए समाज को गुरु जी की सख्त ज़रूरत है। सरकार से हमारी ये अनुरोध होगा कि आप सच्चाई को सामने लाएँ और जो जय जय वो करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद।